शुभ सकाळ प्रथम खबर को स्वागत करुछु आधुरी प्रथमे हेडलाइंस। आज कारगिल विजय दिवस सर्वोच्च बलिदान स्वर्णिम शौर्य कथा वीरों मन पकाउछे सारा देश नापाक पाकिस्तान उद्देश्य को विफल करथिले भारतीय जवान। विजय दिवस रे द्रासरे गस्तरे जीवे राष्ट्रपति उपस्थित रहिब सीडीएसए बिपिन रावत दिल्ली में शहीद को श्रद्धांजलि देवे राजनाथ सिंह मन की बात रे वीरों मन पकाइले प्रधानमंत्री। आज खोल स्कूल प्रथम पर्यायर दशम और द्वादश छात्र छात्री पाठपढ़ा स्कूल आसवापी अभिभावकों अनुमति बाध्यतामूलक कैंपस आइसोलेशन रूम। श्रावण मास प्रथम सोमवार विभिन्न शैव पीठ से जल लागि करिबा परंपरा कोरोना कटकणा पाई काउडिया निराश मंदिर में साधारण भक्तों दर्शन मना। पूरी बासली साही अंचल जघन्य हत्याकांड पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर युवकों संघबद्ध आक्रमण शरीर विभिन्न स्थान में एकाधिक क्षत चिन्ह मृत युवक बड़ ओडिया मठ अंचल पुलिस तनाखना। कटक नियाली ब्राह्मणीवाटी बोमामाड़ घटना 13 दिन पर भी मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त करनी पुलिस लगी संगीन दफा बीजेडी नेता छत्र छाय खुलमखुला बुलूं दोषी तदंत को नहीं उठला प्रश्न। एवं हजी जंगल जंगल को हचाई देछि खोद वन विभाग वनीकरण नारे खाइले लक्ष लक्ष टंकार गच्छ नवरंगपुर जिलारु आसी अभियोग विवाद रे मंत्री विक्रम केशरी आरुख और मोना शर्मा विभाग। संपूर्ण खबर को आज कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष जुलाई 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस रूप पालन करुछि देश। 1999 मसीह पाकिस्तानी सेना काश्मीरी कारगिल अंचल में अनुप्रवेश करथिला। पाकिस्तान सेना को भारतीय माटी रो विताड़ित करने आरंभ होइथिला ऑपरेशन विजय। 60 दिन में लड़े पर आज दिन में विजय लाभ करथिले भारतीय सेना। यह युद्ध में 527 जन भारतीय जवान शहीद होते से ही वीर जवान को श्रद्धांजलि जनवाप आज देशव्यापी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो। आज देश पालुची कारगिल विजय दिवस। 1999 मसीहा आज तारीख में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को परास्त कर विजय बाना उड़ाई भारतीय जवान पूरा होता ऑपरेशन विजय सफलतार सह हाई आउटपोस्ट कमांड कर भारतीय सेना। देश मातृकार सुरक्षा पाई बलिदान देते भारत मातार सुयोग्य संतान से ही अमर जवान को सम्मान जनाई प्रतिवर्ष 26 जुलाई रे देशव्यापी पालित होउची कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय सह इतिहास स्वर्णिम पृष्ठा जोड़ी हो जाइतिला भारतीय जवान को आउ एक वीरत्वर गाथा। 60 दिन धरी चलीला घमाघोर युद्ध शत्रुपक्षर प्रति आक्रमण दृढ़ जवाब देता भारतीय सेना। बिना कौन सूचन पड़ोसी पाकिस्तान एलओसी ने निज सैनिक को भारतीय सीमार प्रवेश कराइला तरली जाऊ तुषार सुजोग नहीं पाकिस्तानी सेना करितिला घन घन आक्रमण। तेबे यह आक्रमण को तिले मात्र खातिर नकरी आग को माड़ी चलते भारतीय जवान शेषे पाकिस्तान सेना को परास्त करने सह कारगिल उड़ीला तिरंगा देशव्यापी खेली जाइला खुशी लहर भारतीय जवान को वीरत्व को नहीं गर्व करते देशवासी। महाविजय पर देशर प्रति सहर प्रति गाँ और प्रति घर भारत मातार जयगान में प्रकम्पित होता। कारगिल युद्ध में शहीद होता से वीर जवान को आज झुरुचंती देशवासी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कारगिल विजय दिवस अवसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीडीएस बिपिन रावत लद्दाखर द्रासरे शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पण करिपार कार्यक्रम रही इन्हें राष्ट्रपति भवन पक्षर सूचना दि जाए। वर्तमान राष्ट्रपति 4 दिनिया जम्मू काश्मीर और लद्दाख गस्तर अच्छा से दिल्ली स्थित नेशनल वार मेमोरियल रे आयोजित कार्यक्रम में कारगिल रे शहीद होता जवान को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह।
अन्यपक्षे 1999 मसीहा कारगिल युद्ध में जो माने देश को विजय कराइछन्ते श्रद्धांजलि देबा पई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात कार्यक्रम जरिया देशवासी को आह्वान देइछन्ते। आसिया परवर्ती खबर को दीर्घ दिन व्यवधान पर आज खोलिबा को जाउछि स्कूल कोविड कटकणा भितरे दशम और द्वादश श्रेणी पिला माने पाठ पढ़िबे एथिपाई गणशिक्षा विभाग पक्षरु स्वतंत्र एसओपी जारी करा जाय छे। श्रृंखलित और कोविड कटकणा नियम मानिबा भितरे पिला माने पाठ पढ़िबा पई समस्त व्यवस्था करा जाय छे। सपटे स्कूल आसिबा पई अभिभावकक अनुमति बाध्यतामूलक करा जायतिबा ने गणशिक्षा मंत्री सूचना दैछन्ते। सेपरी सरकार को निर्देश अनुजाई जिला नोडल अधिकारी माने स्कूल परिदर्शन करने को निर्देश दिया जाय छे। स्कूल गुड़ी को संपूर्ण सानिटाइज करा जायतिबा बेले मास्क एवं सामाजिक दूरता उपरे विशेष ध्यान दिया जिबो बोली जणा पड़ी छे। महामारी कोरोना पई पूर्व वर्ष भली चलित वर्ष मध्य बंद होई बोलबम यात्रा श्रावण मासरे अनेक मानसिक थरी पानी थरी विभिन्न शैवपीठ को चली चली यात्रा करिथांते किंतु कोरोना जोगु चलित वर्ष शैवपीठ भक्त शून्य समस्त श्रद्धालु कोविड नियम को प्राधान्य देउथिबा देखिबाकु मिलिछे। सेपटे राज्यर विभिन्न शैवपीठ रे साधारण भक्तक दर्शन उपरे मध्य कटकणा लगाइछे प्रशासन। कटक जिलार अन्यतम प्रसिद्ध शैवपीठ धवलेश्वर पीठ भी सुनसा एठारे प्रशासन पक्षर 144 धारा जारी करा जायछे। कोरोना कटकणा पई ठाकुरक दर्शन न पाई श्रद्धालु माने निराश होइछन्ते। वर्तमान सीधा सड़क आम नहीं जाऊँ आप धवलेश्वर पीठ सेठार अच्छे आम प्रतिनिधि सुशांत। सुशांत चलित वर्ष मध्य सही कोविड कटकणा भितर सही कोविड गाइडलाइन रही दर्शकों को मना करा जाइछि बा काउडिया माने यात्रा करि परिबे नहीं अधिक कोन अपडेट आसुछि हाँ देखो माधुरी आप जो कथा कहले कोविड कटकणा पई संपूर्ण परिवेश खा खा रही कैमरा पर्सन को अनुरोध करी देखे चित्र ये रही जो धवलेश्वर सेतु सेतु को संजोग धवलेश्वर मंदिर को संजोग कर झूला सेतु झूला सेतु संपूर्ण खा खा रही कई यातायात करूना केतक हाथ गणती पूजारी जैक जो मान ठाकुर पाखे नीतिकांति रही पूजारी मैंने जाऊँच पीठर लगी 144 धारा पीठ को लगि रही रास्ता गुड़िक लगी 144 धारा प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था कर सीधा चित्र देखिपे प्रशासन पक्षर के पुलिस मुतयन कराफल केवे कौन काउड़िया आसी पार ना से प्रति विशेष ध्यान दि जाएगी जदि आम कह पूजारी मान सूचना आज जो रही श्रावण मासर प्रथम सोमवार बाबा धवलेश्वर को श्रावणी बेस कराकि भक्त मानकर एक मनस्कामना पूर्ण हुए बोली कथा रही बाबा धवलेश्वर पाखे जो आज श्रावण मासरे प्रथम सोमवार जल लगे कराए भक्त मानकर मनस्कामना पूर्ण हवास कोटि जन्मर पुण्य मिलता है जहाँ भक्त मानक आशा रही है जहाँफल कोविड कटकणा जो संपूर्ण श्रावण मासर प्रथम सोमवार फिका पड़ जाए जहाँकि भक्त भक्त मानी एक प्रकार दुख देखा मिली आम पाखे पुलिस प्रशासन अधिकारी अच्छा सीधा साल आलोचना नवा सार कहे आपड़ आज ड्यूट कर संपूर्ण पीठ खा खा रही कमी देखुं आज 144 धारा जारी रही कौन कहे नहीं सरकार अनुसार कोविड कटक जारी हो आ सरकार अर्डर कर कौन से भक्त आसिक पा ढाली पारे ना तेणु पुलिस प्रशासन जगिक अच्छे सकाल पांचटा रात आम सब अच्छा अपेक्षा कर आसू भक्त मान किए आसुना आविड कटक जो लोक मानिकी चले आसुना माधुरी आप शुणुते पुलिस प्रशासन अधिकारी के कहते कि सका चार रात ड्यूट कर काउड़िया मान को छड़ा नजर से विशेष ध्यान देखिए देखा आम सका पांचटार आसिक धवलेश्वर मंदिर चतुर्पार्श्व आम देखा चाहूँ मंदिर को संजय कर झूला सेतु हुए तो आज कोविड ना आज एठार ठिया एक प्रकार असंभव होता जहाँकि हजार हजार श्रद्धालु हजार हजार काउड़िया ओडिशार कोण अनुकोण एठाक आसी था बाबा धवलेश्वर मस्तक जल लगे करने कि कोरोना कटक संपूर्ण फिका पकई जहाँफल आप देखिपे आम हजार हजार दर्शक अर्गस न्यूज माध्यम देखिपे धवलेश्वर पीठ को जो संजय कर झूला सेतु संपर्क सेतु संपर्क सेतु जमी आज
यद्यपि आज श्रद्धा निराश रही जेहेतु श्रद्धा बारण कोविड गाइडलाइन रही सब भितर किंतु बाबा नीतिकांति सठिक ढंग से चली धन्यवाद सुशांत आपंकर तमाम सूचना आगक जारी रही खबर अभियान सब हो छोट ब्रेक ब्रेक परे स्वागत। टोकियो रे चमकुछंते देशर झियो भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा बॉक्सिंग रे मेरी कॉम एवं बैडमिंटन रे पीवी सिंधु विजय सह निजर ओलंपिक यात्रा आरंभ करिछंते। मोनिका टोकियो ओलंपिक रो तृतीय दिन रे द्वितीय पर्याय मुकाबला रे विजय होइछंते। युक्रेन रो खिलाड़ी पेशोस्काका मार्गरेटा को कड़ा मुकाबला रे परास्त करिछंते। मैच रो प्रथम दुईटे सेट रे पछरे रहिबा परे जोरदार कमबैक करथिले मोनिका एवं चमत्कार प्रदर्शन करी मार्गरेटा को परास्त करी तृतीय पर्याय पहुंचे। सेपरी टोकियो ओलंपिक रो महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता रे भारत रो स्टार सटलर पीवी सिंधु विजय सह यात्रा आरंभ करिछते। सिंधु एही मुकाबला रे इजराइल रो केन्सिया पोलिकार पोबा को 21-7 एवं 21-10 सीधा सेट रे हराई विजय होथिले। सेपटे प्रथम मुकाबला रे सहज विजय हासिल करिछते मेरी कॉम 48-51 किलो वर्ग रे डोमिनाकर खिलाड़ी को 4-1 रे हराई प्री क्वार्टर रे पहुंचे छते। ए बाबतर अधिक सूचना पाई हम सहित भुवनेश्वर रिपोर्टर सुशांत साहू जोड़े रहिछन्ते। सुशांत टोकियो रे देशर झील माने चमकुछन्ते एवं देश पाई अनेक सफलता मध्ये आणुछन्ते। आमे जतेक दिन भी देखिलुनि किछि दिन भीतर देशर झील जो माने रहिछन्ते प्रत्येक थोर आमे देखुछु जे गोटिए परे गोटिए सीढ़ी से माने चढ़ी चलिछन्ते। वर्तमान अपडेट कोन आसुछि? निश्चित भाव माधुरी आपण प्रथम दिन परफॉर्मेंस देखिए भारत परफॉर्मेंस देखिए मीराबाई चानू जे रही 50 kg वर्ग वेट लिफ्टर रही भारत को रौप्य पदक देते दिन जब देखा भारत प्रदर्शन एक प्रकार मिश्रित था किसीटा इवेंट रे भारत अपेक्षाकृत प्रदर्शन करिवार विफल होते किसीटा इवेंट रे भल प्रदर्शन किंतु गत काली भारत जो प्रदर्शन कर एक प्रकार नैराश्यजनक प्रदर्शन कहले अत्युक्ति हम ना आप देखु उभय हॉकी टीम परास्त होई भारत महिला हॉकी टीम नेदरलैंड ठारु परास्त होई एवं भारत पुरुष हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया ठारु क्षमा करिबे ऑस्ट्रेलिया ठारु 7-1 गोल ले परास्त होई। देखिए जो भारतीय महिला जिमनास्टिक रही प्रशांति नायक सीए क्वालिफाए करने को विफल होती सानिया मिर्जा अंकिता रईना टागर जो मिक्स महिला मिक्स डबल्स जोड़ी से जोड़ी प्रथम सेट रे 6-0 ने जीति शेष दुईट सेट हारी जहाँफल से निराश कर स्विमिंग इवेंट कथा देखु पूर्व जो महिला स्विमर रही मना पटेल सीए सेमिफाइनाल रु वंचित होता बेले श्रीहरि नटराज काली सेमिफाइनाल को जीवा विफल होती आप आउ गोटे कथा देखु बॉक्सिंग रो कथा देखा मनीष कौशिक जे आम भारतीय बॉक्सर रही बॉक्सर रही सीए द्वितीय बॉक्सर भाव सेमिफाइनाल को जीवा विफल होती पूर्व आपन देखिथिले विशाल किशन कुमार जे कि अभिज्ञ बॉक्सर सीए सेमिफाइनाल राउंड को प्रवेश करने को विफल होते शूटिंग रे कथा कहवा उभय पुरुष वर्ग कथा कहवा एवं महिला वर्ग कथा कहवा सबुठ भारत पराजयर स्वाद जाकी अन्य पक्ष गत काली जदि किसी आडवांटेज देखा जोटा कि भारत पर गुड न्यूज आसी जोटा कि मेरी कॉम एक प्रकार डोमिनेट कर प्रथम मैच रे विजय हासिल कर पीवी सिंधु डोमिनेट कर प्रथम मैच रे विजय हासिल कर सहित जे रही टेबल टेनिस महिला सिंगल्स रे मोनिका बत्रा विजय हासिल कर आज सका गोटे भारत मानने खुशी खबर आसी जोटा कि भारत एकमात्र फेंसिंग खेला भवानी देवी
ସିଏ ଭବାନୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପନ୍ଦର ଦିନରେ ସିଏ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନାଦିଆ ବେନ୍ ଅଜିଜିଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ, ଯୋଉଟା କି ସିଏ ଫ୍ରାନ୍ସର ବ୍ରୁନେଟ୍କୁ ସେ ଭେଟିବେ, ଯାହାକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି ଭାରତର ରୋଇଂ ଟିମ୍ ଯୋଉଟା କି କାଲି ଇତିହାସ ରଚିଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ। ନିହାତି ଏବେ ତ କୋଠି ନା କୋଠି ଜାତୀୟ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଖେଳ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କୋଟି ନା କୋଟି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ମେଡାଲ ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ମୋଟ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ଚୀନ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି 11 ପଦକ ସହ। ଚୀନ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ, କଟକ ନିଆଳି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଟି ଗାଁରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ବିତିଲାଣି 13 ଦିନ। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଆଳି ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଓ ତାର ସହଯୋଗୀକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ବିଚୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଜେଡି ନେତା ବୋଲି କ'ଣ ଆଇନଠାରୁ ଉପରେ? ପୋଲିସର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ନିଆଳି ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉନି ହାତ। ବୋମା ମାଡ଼, ଲୁଟ୍, ଧମକ ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଚୁପ୍। ଶାସକ ଦଳର ବାହୁବଳୀ ନେତା ବୋଲି କ'ଣ ଆଇନଠାରୁ ଉପରେ? କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି। ପ୍ରେମ ଘଟଣାରୁ ବୋମା ମାଡ଼। ଗତ 12 ଜୁଲାଇରେ କଟକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀବାଟି ଗାଁର ଏହି ଘର ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ବୋମା ମାଡ଼। ଆଉ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ନିଆଳି ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଓରଫ କୁନା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଭୁ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଓରଫ ଲାକୁନ। ବୋମା ମାଡ଼ ସହ ଲୁଟ୍ ଓ ଧମକର ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ବିଜେଡିର ଏହି କରିତକର୍ମା ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ସେହିଦିନ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି। ପ୍ରଭୁ ରଞ୍ଜନ ଓ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା ଲାଗିଛି 452, 379, 294, 506, 509, 34। ଆଇଟି ଆକ୍ଟର ଦଫା 67, ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକ୍ଟର ଦଫା 3 ଓ 4, ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟର ଦଫା 25 ଓ 27। ଘଟଣାକୁ 10 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ପୋଲିସ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। 12 ତାରିଖରୁ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ହେଇଗଲା 21 ତାରିଖ, ପ୍ରାୟତଃ 10 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କୁନା, ପ୍ରଭୁ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଲାକୁନ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଉନି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଆମେ ପରିବାର ସାରା ଘର ଛାଡ଼ିଲୁ, ଗାଁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତଥାପି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଉନି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଆମ ଭଳି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ, ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଯାହା ହାତରେ ପଇସା ଅଛି, ପାୱାର ଅଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଓ ପ୍ରଭୁ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ? ଏତେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ପରେ ବି କେମିତି ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ? ନିଆଳି ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବୋଲି କ'ଣ ଆଇନଠାରୁ ଉପରେ? ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଇନ ଅଲଗା? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ବି ଯୁଗଲ କିଶୋର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିଆଳି ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା, ହେଲେ କେବଳ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି। ଏବେ ଭୟରେ ପୁରା ଗାଁ, ପୋଲିସ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେଡି ଯୁବ ନେତା ବୋଲି ସାତ ଖୁନ ମାପ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିବେ। କଟକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀବାଟି ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର।
स्वागत। पूरी बासाली साहि थाना अंचल में जघन्य हत्याकांड पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी घटी एही हत्याकांड। तियाड़ी बगीचा को गाधोवा को जाता बेले जड़े युवक को मारणास्त्र हाणि हत्या करा मुंड और शरीर विभिन्न स्थान में बाजि एकाधिक चोट। मृत युवक जनक बड़ओड़िया मठ अंचल जितेन्द्र पुरोहित होता सूचना मिली। संघबद्ध भाव आक्रमण कर हत्या करा संदेह करा शव व्यवच्छेद मृतदेह को पुरी सदर हस्पिटाल को पठाई पुलिस। घटनास्थल में अधिक छानबीन आरंभ कर बासाली साहि थाना पुलिस। श्रीलंका विपक्ष टी ट्वेंटी श्रृंखलार प्रथम मैच रे भारतर दमदार विजय। सूर्य कुमार यादव को जबरदस्त बैटिंग और भुवनेश्वर कुमार को घातक बोलिंग बल रे घर श्रीलंका को 38 रन रे परास्त करी टीम इंडिया। सूर्य कुमार यादव अर्धशतकीय पाली खेली बेले भुवनेश्वर कुमार 4 विकेट नहीं विजय कर्णधार साजि। कोलंबो स्थित आर प्रेमादास स्टेडियम खेल जा मैच में श्रीलंका टॉस जीति प्रथम बोलिंग निष्पत्ति। भारत निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट हराई 164 रन संग्रह कर जवाब में श्रीलंका 18.3 ओवर में 126 रन करी ऑल आउट हो जाते। दल पक्ष चरित अश्लंका सर्वाधिक 44 रन करते सेपटे विजय सह भारत टी सीरीज 1-0 रे आगुआ रही। समय सर बुलेटिन को ये रखुच। नमस्कार।